हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क को लेकर के अक्सर फीमेल्स बहुत परेशान रहती हैं और इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस, और अगर हम एक्सट्रीम्स की बात करें तो कई लोग प्रेग्नेंट होने से भी डरते हैं कि अगर हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, हमारी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, हम साड़ी नहीं पहन सकते हैं, हम क्रॉप टॉप नहीं पहन सकते हैं, हम लो वेस्ट जीन्स नहीं पहन सकते हैं, बॉडी शेमिंग का शिकार होते हैं। तो क्या हम ऐसा करें कि आपको प्रेगनेंसी में या तो स्ट्रेच मार्क्स आए ही नहीं, और अगर आते हैं तो उसे किस तरीके से डील किया जा सकता है। देखिए, बेस्ट तरीका ये है कि स्ट्रेच मार्क्स को आने से ही रोका जाए। सिंपल सी बात है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बॉडी के अंदर में, हमारी बच्चेदानी के अंदर में एक गर्भ पनपता है जो शुरुआत में इतना छोटा होता है कि आप उसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन 9 महीने के दौरान धीरे 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 वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि जब वो पैदा होता है आप उसे अपने हाथ में ले सकते हैं। तो ऐसे ही जो बच्चेदानी होती है, जो घर होता है उस ग्रोइंग बच्चे का, शुरुआती दिनों में जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चेदानी का साइज लगभग इतना होता है और 9 मंथ तक ये बच्चेदानी फैल करके इतनी हो जाती है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे कोई चीज़ ग्रो कर रही है, आपका पेट भी उसके साथ में बढ़ रहा है, तो जो स्किन होती है ऊपर की वो स्ट्रेच होती है। अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है तो वो स्ट्रेचिंग बर्दाश्त कर सकती है। अगर स्किन की इलास्टिसिटी पुअर है तो जो प्रोटीन बॉन्ड्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर में, वो ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे ही वो ब्रेक होते हैं उसके अंदर फिर जो कलर चेंज होता है, शुरुआत में वो पिंक होते हैं, फिर धीरे धीरे वो वाइट, और फिर उसके बाद स्किन कलर में आते हैं। तो ये प्रोटीन के ब्रेकेज की वजह से हमारी स्किन की जो एक कंटिन्यूटी होती है वो टूट जाती है। इसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेच मार्क्स। तो मोटी सी बात क्या है कि अगर आप अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखेंगे और जो स्ट्रेचिंग है स्किन का, जो ग्रोथ है यूट्रस की, आप उसे कैलकुलेटेड रखेंगे तो हम स्ट्रेच मार्क से बच सकते हैं। आम भाषा में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो टिप है स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड करने के लिए, वो ये है एप्रोप्रिएट वेट गेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो वेट गेन है, ऑब्वियसली मैं कम तो नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि वो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप गेन करते हैं तो आपको डेफिनेटली स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान 8 से 14 किलो का वेट गेन काफ़ी होता है। अगर आप पहले से ही ओवरवेट है, ओबीज हैं, तो आपको 8 से 10 किलो का वेट गेन करना है। अगर आप नॉर्मल वेट के हैं तो 10, 11, 12 किलो कर सकते हैं। अगर आप अंडर वेट यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका वेट 40 kg या उससे कम का है तो आपको 14-15 kg का वेट गेन करना है, और ये वेट गेन ग्रेजुअल होना चाहिए। पहले के 3 महीनों में आपको 1 या 2 किलो वेट गेन करना है, या 1-2 किलो आप लूज़ भी करते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वॉमिटिंग्स या एपेटाइट चेंज होने की वजह से, खाने का मन ना करने की वजह से पहले 3 महीनों में 1 या 2 किलो वज़न घट भी सकता है। अगले 3 महीनों में फिर आपको 3 से 5 किलो वेट गेन करना है, और फिर लास्ट के 3 महीनों में 3 से 5 किलो का वेट गेन करना है। तो इस तरीके से अगर आप वेट गेन करते हैं तो अननेसेसरली स्ट्रेचिंग स्किन पे आपके नहीं आए। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने बोला कि स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखना है। इसके लिए आपको जो 2 बातें हैं ध्यान रखने की, वो है डाइट और सेकेंड है स्किन केयर। आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। बच्चा अंदर बढ़ रहा है और प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन बढ़ते हुए बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो अंदर बढ़ रहा शिशु है वो आपके बॉडी में से प्रोटीन निकालेगा, और जहाँ कहीं भी उसे लगता है कि ये प्रोटीन वेस्ट है, जैसे स्किन है, आपकी हेयर है, कहीं से भी उस तरीके के प्रोटीन्स को निकालना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा होगा तो आप बच्चे की ग्रोइंग नीड्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका प्रोटीन रिच डाइट रहेगी तो आपका वेट गेन भी गार्डेड रहेगा, और थर्ड जो प्रोटीन होता है वो स्किन की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए आपके डाइट में प्रोटीन्स और सेकंड विटामिंस भी अच्छे रहने चाहिए, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। इसलिए जितने भी ब्राइट कलर के फ्रूट्स होते हैं इनमें विटामिन ए अच्छा रहता है, जितने सिट्रस खट्टे फ्रूट रहते हैं उनमें विटामिन सी अच्छा रहता है, तो आपको इनका इस्तेमाल रेगुलरली करना है क्योंकि ये स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। अपने
जो डाइट है उसमें वाटर इंटेक अच्छा रखें। आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी स्किन में भी पानी अच्छा रहेगा। तो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए आप रेगुलर वाटर इंटेक रखेंगे, नारियल पानी का इस्तेमाल करिए। नारियल पानी बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग ड्रिंक तो है, साथ ही साथ इसके अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं ये भी आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करते हैं। छाछ, मट्ठा, ये कैल्शियम भी देंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे, स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलर अपनी डाइट में करना है। स्किन केयर में जो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, नंबर वन इज मॉइस्चराइजिंग। आपको अच्छी कंपनी का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने का। ऐसा नहीं है कि कोई फैंसी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स प्रमोट करी जाती हैं कि आप इसका इस्तेमाल करिए तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। आप घर में बनी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नहाने से पहले आप नारियल तेल से अच्छे से अपनी बॉडी पे मसाज करिए और उसके बाद आप शावर ले सकते हैं। शावर लेने के बाद आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी बॉडी लोशन लेकर के आप 5 से 10 मिनट तक अपने वो एरियाज जिस पे स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि पेट, बाजू का अंदर का हिस्सा, जांघों का अंदर का हिस्सा, बटक्स, इस पे आपको 5-10 मिनट के लिए दिन में 2 बार अगर आप मसाज करते हैं तो इससे भी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है। उसमें जो कोलेजन होता है जो स्किन को स्ट्रेच करने में मदद करता है, वो कोलेजन फॉर्मेशन बढ़ता है। तो आपको स्किन केयर अच्छे से करने का है। गर्मी के दिनों में आपको सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल अच्छे से करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो हम स्ट्रेच मार्क्स से बच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, ऐसे में प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको किसी भी तरीके के बॉडी शेमिंग में लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैं बोलती हूँ कि जब आप कुछ बड़ा अचीव करते हैं तो आपको कोई ना कोई ट्रॉफी मिलती है, तो टेक इट एज अ ट्रॉफी कि आपने एक बच्चे को इस दुनिया में लाया। तो थोड़ा बहुत निशान अगर आपकी बॉडी पे आता भी है तो आप इसे एक यादगार के रूप में भी रख सकते हैं। और वो लोग जो इस तरीके के प्रोफेशन में हैं जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किए जा सकते हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि PRP थेरेपीज या स्टेम सेल थेरेपीज, लेज़र थेरेपीज, इनका इस्तेमाल करके आप स्ट्रेच मार्क्स को लाइट कर सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे आपने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आपके आ गए हैं, स्किन बहुत लूज हो गई है, ऐसे में डिलीवरी के बाद जब आपका बेबी फीडिंग पूरा हो चुका है, आप अपने मदरहुड को इंजॉय कर चुकी हैं, तो आप कॉस्मेटिक सर्जरीज की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन नटशेल में अगर मैं बात करूं तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो शुरुआत में मैंने बताई हैं, इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स से आप बच सकते हैं, या अगर वो रहेंगे भी तो इतने लाइट रह सकते हैं कि आपके वो रूटीन के पहनावे में कुछ इंटरफेयर नहीं करते।